हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए पल पल की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते हैं। तो दोस्तों, फिर आज 29 नवंबर की एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए जो सरकारी विज्ञप्ति से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, पूरी न्यूज़ सुनाने से पहले आपको हम बता दें कि ये हमारा एसटी न्यूज़ चैनल आपका अपना चैनल है, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं कि आज की बड़ी खबर क्या है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अहमदाबाद को बंद करने के आदेश। यहाँ दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ इस वक्त हमारे पास 29 नवंबर 2019 की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की केंद्रीय सहकारी समिति के पंजीयन के आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अहमदाबाद को बंद करने का आदेश पारित किया है। यह दोस्तों, ये हेडिंग रेड कलर में दी गई है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड अहमदाबाद को बंद करने का आदेश पारित किया है। इस उद्देश्य के लिए एमएससीएस अधिनियम 2002 एवं उसके अंतर्गत निरुपति नियमों के तहत आज एक लिक्विडेटर नियुक्त किया है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 2 तल 14 विधा विहार कॉलोनी होटल फार्मूच लैंडमार्क उस्मानपुर और अहमदाबाद, या दोस्तों 380018 गुजरात को अपने सदस्यों जमाकर्ताओं के धन का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करने, बड़े पैमाने पर अनियमितताएं करने और सहकारिता सिद्धांतों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपके लिए लेकर आए। आगे खबर है कि आरबीआई की इलाइंसवेंसी एंड ब्रेकेंसी बोर्ड ऑफ इंडियन विनियमित 2016 में संशोधन किया गया है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। अगर खबर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएँ। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी नई अपडेट लेकर। जब तक के लिए जो एस खान को दें इजाज़त, धन्यवाद।